में नीट में चिट को लेकर प्रदेश में बवाल मचा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज हम नीट नेटवर्क धांधली का पूरा एक्सरे करेंगे और बताएंगे अब तक नीट की चीट में क्या क्या हुआ है, इस धांधली में कितने किरदार हैं, कहां कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, अब तक की जांच कितनी असरदार है और कौन कौन सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। बिहार समेत देश के कई राज्यों में जांच एजेंसियों की छापेमारी अभी भी जारी है, डीजी के हटाने के बाद भी। देखिए इसी पर रिपोर्ट। प्रोफेसर, नीट पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है, उसका पता झारखंड का हजारीबाग है, जिसने मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट के प्रोफेसर की तर्ज पर पेपर लीक का कुचक्र रचा। पुलिस जांच में अब तक जितने पर्दाफाश हुए हैं उससे सिग्नल मिले हैं कि पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है, बाकी सब के सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट, जिसमें बिहार एपिसोड का सरगना है संजीव मुखिया। तारीफ बस इतनी भर कि 20 साल से पेपर लीक का किंग पिन है। नीट पेपर लीक धांधली का सबसे कुख्यात नाम है संजीव मुखिया, जिसके खुराफाती दिमाग से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली तरकीब निकली। लेकिन नीट पेपर धांधली का सारा कुचक्र सिर्फ संजीव मुखिया के अकेले बूते भर की बात नहीं, इस गड़बड़ झाले में संजीव मुखिया के साथ बराबर के साझेदार हैं। नीट पेपर लीक के सरगना ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो किसी का भी दिमाग चकरा देगा। संजीव मुखिया की क्राइम कंपनी बड़ी है, रसूखदारों से भरी पड़ी है, पढ़े लिखे जहीन पेशेवर लोग इसकी लीक कंपनी में प्रोपराइटर हैं। नीट पेपर धांधली करके पूरे देश में खलबली मचाने वाले संजीव मुखिया का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लेकिन पहले जानते हैं कि नीट पेपर लीक का षड्यंत्र रचा कैसे गया, किस सेंटर में पेपर लीक हुआ ये जानते हैं। पेपर लीक की सारी सेटिंग झारखंड में की गई। आरोप है कि बिहार के संजीव मुखिया ने कथित प्रोफेसर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और ये पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया, यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देख कर उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंटआउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एंड प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। नीट पेपर लीक होकर बिहार में ऐसे पहुंचा, लेकिन देश के बाकी सेंटर पर इन्हें कैसे लीक किया गया, किसने करवाया, अब इसे देखिए। अब तक की जांच में पता चल रहा है कि संजीव मुखिया के साथ इस मामले का मास्टरमाइंड है रवि अत्री और उसका गैंग। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इसके ही गैंग के 2 सदस्य अतुल वत्स और अंशुल सिंह बाहर एक्टिव थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह ये दोनों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में नीट लीक का जिम्मा संभाल रहे थे। इन दोनों के सीधे संपर्क में था संजीव मुखिया। ये मुखिया भी बड़ा किरदार है, इसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया उसे इसने सॉल्व कराया सॉल्वर गैंग से। ये सॉल्वर गैंग पटना और रांची में था, रांची में 10 डॉक्टर और पटना में 2 सॉल्वर। इन सबसे संजीव मुखिया ने पेपर सॉल्व कराया। इसके साथ ही संजीव मुखिया के नेटवर्क में जुड़े थे सिकंदर यादवेंदु। ये सिकंदर जो है मुखिया का शागिर्द है और इस पर अभ्यर्थियों को लाने का जिम्मा था। इसके अलावा मुखिया के नेटवर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार भी जुड़े थे। इन दोनों पर पैसों की डीलिंग का जिम्मा था। इस नेटवर्क में चिंटू और सिंटू भी अहम किरदार हैं। इन दोनों के पास ही सॉल्व किया गया पेपर संजीव मुखिया ने भेजा था और इन दोनों ने क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर का प्रिंट लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचा और फिर अभ्यर्थियों से आंसर पेपर रात भर रटाया गया।
बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए वहाँ की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ की थी। वही प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं। प्रीतम कुमार के पटना वाले पते पर ईओयू का नोटिस पहुंच चुका है, मगर नीट पेपर लीक का मगरमच्छ कहा जाने वाला संजीव मुखिया फरार है, क्योंकि संजीव मुखिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, 20 साल से पेपर लीक का तजुर्बेकार है। पुलिस संजीव मुखिया के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं संजीव मुखिया की मां ने बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को गलत संगत में जाने से कई बार आगाह किया था। चलिए अब पाली से बड़ी खबर की बात कर